हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग। और आज हम जो पपी था जिसे हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, आज उसका थर्ड डे ऑफ ट्रीटमेंट है और आप देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। सारे मैगट्स मर चुके हैं और काफ़ी वो बेहतर हो चुका है पहले से। और पहला दिन तो वो बहुत ही रो रहा था गाइस, देखिए आज वो नहीं रो रहा है। तो अभी हम उसे उसके जो ऊंड है उसको हम बेटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद जंबो हिल से अभी हम उसे चारों तरफ जंबो हिल उसके ऊंट पे लगा देंगे और बैंडेज कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, आप सब भी बेसिक ट्रीटमेंट दे ही सकते हैं। बस थोड़ा जानकारी चाहिए सबको। अगर आपको हमारी कुछ मदद चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हैं, हम भी आपको ये कैसे उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, हम गाइड कर देंगे आपको। या फिर आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको हॉस्पिटल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऊंट बहुत ही बड़ा है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप हॉस्पिटल जा सकते हो। तो अभी तो कोविड का टाइम है और हमेशा हॉस्पिटल जाना भी सेफ नहीं है, इसीलिए जो भी जानकारी हमें चाहिए होता है हम अपने डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं अपने घर में ही। तो ये तृप्ति और मैं और हमारे जो नेबर हैं सूरज, वो हम लोग सब कोई मिल के वो बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी और वो काफ़ी बेहतर है पहले से। और आप सबकी दुआ से भी वो काफ़ी हील हो चुका है। तो आप सबसे एक अनुरोध है, प्लीज़ उसके लिए और भी ज़्यादा प्रे करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए गाइस। और आप सबके प्यार से वो बहुत ही ठीक हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाएंगे आगे। और इसका पूरा ठीक होने तक का वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।